साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो नवाब मलिक पिछले 10 महीने से जेल में बंद है और जितनी भी बार कोर्ट से जमानत मांगने गए हैं हर बार निराशा ही मिली है। मलिक के बाद गिरफ्तार हुए संजय राउत को जमानत मिल चुकी है, अनिल देशमुख भी राहत की तरफ हैं, मगर नवाब मलिक को कोई भी कोर्ट जेल से छुटकारा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है और वो है प्राइवेट अस्पताल में इलाज लेना। जी हाँ, जेल में ना रहने की जिद में मलिक ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज लेना सही समझा था और वो ही इलाज अब मलिक के गले की फांस बन गया है। लेटेस्ट खबर यही आ रही है कि कोर्ट में हुई सुनवाई में मलिक को जमानत मांगने पर बुरी तरह फटकार मिली है और अब मलिक से 5-स्टार अस्पताल भी जल्द ही छिन जाएगा। तो कैसे अचानक मलिक पर आ गई डबल आफत, जमानत मांगने पर क्यों मिली फटकार और आगे क्या करने वाले हैं नवाब मलिक, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि इस केस में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे भी शामिल है, इसीलिए कोर्ट ने मलिक को राहत देने से मना कर दिया, साथ ही साथ फटकार भी लगाई। दरअसल पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने 30 नवंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद मलिक ने अपने वकीलों के जरिए मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था और एक किडनी खराब होने की वजह बताकर तुरंत जमानत अर्जी पर सुनवाई की मांग की थी, जिस पर न्यायमूर्ति MS कार्णी की एकल पीठ ने तत्काल सुनवाई के मलिक के आग्रह को खारिज कर दिया और ED से पूछा कि आखिर मलिक का क्या किया जाए। कोर्ट ने ED को 2 हफ्ते में इस अर्जी पर जवाब देने का निर्देश भी दिया। अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई 6 जनवरी तक स्थगित कर दी है, जो कि मलिक के लिए पहला बड़ा झटका है। अब आगे देखिए कोर्ट में और क्या क्या हुआ। तो सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कार्णिक ने मलिक के अधिवक्ता अमित देसाई से कहा कि सबसे पहले तो वो ये बताएं कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की आवश्यकता क्यों है, जिस पर मलिक के वकील अमित देसाई ने अदालत को NCP के वरिष्ठ नेता के मेडिकल कंडीशन से अवगत कराया। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि नवाब मलिक का केवल एक गुर्दा काम कर रहा है और उसके तुरंत ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो मलिक की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक के परिजन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए जांच और मेडिकल टीम के साथ बार बार मीटिंग की आवश्यकता होगी और इसी के लिए मलिक को जमानत चाहिए, वो भी तुरंत सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान। अब कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो मलिक के वकील को कहा कि हम तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते और रही बात गुर्दे के ट्रांसप्लांट की तो पहले उससे संबंधित मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबमिट कराएं, कोर्ट पेपर्स की स्टडी करेगा, उसी के बाद आगे की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि मेडिकल पेपर्स को पढ़ने के बाद ED से भी जवाब मांगा जाएगा और उसी के अनुसार आगे का आदेश सुनाया जाएगा। अब ED की तरफ से पेश हुए वकील का पलड़ा इस वक्त पूरी तरह भारी था, तो मौके का फायदा उठाते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तुरंत कोर्ट से कहा कि उन्हें मलिक के इलाज लेने या फिर मेडिकल सलाह लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या हम मई के महीने से लेकर अब तक लगातार उन्हें 5-स्टार अस्पताल में इलाज लेने देते। अब ये सुनते ही कोर्ट का लहजा बदल गया और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मलिक मई से अब तक इलाज ले रहे है, वो भी प्राइवेट अस्पताल में, तो फिर उन्हें जमानत की जरूरत है क्यों? पहले से ही वो पूरी सुविधाओं के साथ निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उन्हें जमानत क्यों चाहिए? अब कोर्ट की इस बात पर मलिक के वकील अमित देसाई पूरी तरह खामोश हो गए क्योंकि वाकई में मलिक मई के महीने से लेकर अब तक प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले रहे हैं और लग्जरी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। अब मलिक के वकील कोर्ट की ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गए। तो इस पर ED के वकील अनिल सिंह ने कहा कि पहले गुण दोष के आधार पर जमानत की अर्जी देना और फिर चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए मामले में त्वरित सुनवाई की मांग करना आजकल एक प्रचलन सा बन गया है, जो कि अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा दे रहा है।
इसीलिए हमारी कोर्ट से गुजारिश है कि मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया जाए। अब कोर्ट ने मलिक की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से तो इनकार कर दिया और 6 जनवरी तक मामले को स्थगित भी कर दिया है। अब कोर्ट से बाहर निकले वकील अमित देसाई तो कुछ नहीं बोले, मगर मामले में लीड कर रहे अन्य वकीलों ने बताया कि अगर नवाब मलिक अस्पताल की जगह जेल में शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो जमानत लेना ज्यादा आसान होगा। अगर वो अब भी अस्पताल में ही रहते हैं तो हमारे पास जमानत मांगने का आधार ही खत्म हो जाएगा। आखिर हम कैसे सेहत का हवाला कोर्ट को दे सकेंगे? तो अब माना जा रहा है कि खुद नवाब मलिक ईडी से गुजारिश कर सकते हैं कि उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि अस्पताल में रहना उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, मलिक जैसे लोग कानून का गलत फायदा उठा रहे हैं? क्या मलिक को जमानत मिलनी चाहिए या फिर उन्हें जेल में ही डाल देना चाहिए? आप भी इस मामले पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 17 दिसंबर को मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने विरोध मार्च किया था, जो कि भाईखला से लेकर मुंबई महानगर तक हुआ था। इस प्रोटेस्ट में उद्धव की शिवसेना के साथ ही कांग्रेस और एनसीपी के सभी बड़े और छोटे दिग्गज राजनेता शामिल हुए थे। छोटी मोटी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो एमवीए का ये विरोध मार्च काफी हद तक सफल रहा था, जिसमें करीब 2 लाख कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था। मगर अब एक बार फिर से इस प्रोटेस्ट को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए के इस महामार्च को नैनो मार्च करार दिया था। फडणवीस ने प्रोटेस्ट को एक छोटा सा विरोध मार्च बताया था, जिसके बाद संजय राउत तैश में आ गए और संजय राउत ने बिना चेक किए आनन फानन में अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर दिया और बताया कि ये वीडियो महाविकास अघाड़ी के उसी विरोध मार्च का है। इतना ही नहीं, राउत ने इस वीडियो के साथ ही देवेंद्र फडणवीस को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया। राउत ने वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, देवेंद्र फडणवीस जिसे नैनो मार्च कह रहे हैं वो यही है, महाराष्ट्र प्रेमी जनता की बुलंद आवाज। देवेंद्र जी, यह बर्ताव सही नहीं है। जय महाराष्ट्र। इस वीडियो में लाखों की संख्या में सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में केसरिया रंग के झंडे हैं। राउत ने इसी वीडियो को अपलोड कर दिया और फडणवीस के नाम ट्वीट भी कर दिया। अब आगे देखिए क्या हुआ। दरअसल जिस वीडियो को संजय राउत एमवीए के प्रोटेस्ट का बता रहे हैं, वो दरअसल 5 साल पुराने एक विरोध प्रदर्शन का है। अब राउत के ट्वीट के बाद नागपुर में बैठे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय राउत जिस वीडियो को अपना बता रहे हैं वो दरअसल मराठा क्रांति मोर्चा का है, मैं भी इसके बारे में और जानकारी लूंगा और इसके बाद संजय राउत को जवाब जरूर दूंगा। यहां आपको बता दें कि संजय राउत की तरफ से ट्वीट किए गए 23 सेकंड के वीडियो में एक मराठा लाख मराठा की नारेबाजी सुनाई दे रही है और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ केसर या झंडे दिखाई दे रहे हैं। यहां आपको बता दें कि मराठा समाज ने महाराष्ट्र में सभी जिलों में लाखों की तादाद में मोर्चे निकाले थे। 9 अगस्त 2017 को मराठा समाज ने मुंबई में दस्तक देते हुए महामोर्चा का आयोजन किया था। इस मोर्चे में 10 लाख से ज्यादा मराठा समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे और इसी के वीडियो को संजय राउत ने एमवीए का प्रोटेस्ट बताकर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया। अब इस वीडियो पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फडणवीस के बाद मुंबई में मराठा मोर्चा के आयोजक वीरेंद्र पवार भी इस वीडियो के विरोध में उतर आए हैं। वीरेंद्र पवार ने तुरंत मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि ये वीडियो 5 साल पुराना है, जब हमने विरोध प्रदर्शन किया था और उस वक्त इन्हीं संजय राउत ने हमारे प्रदर्शन को गूंगा मोर्चा करार दिया था और अब उसी का वीडियो खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वीरेंद्र पवार ने आगे कहा कि संजय राउत ने मराठा मोर्चा को तोड़ने की काफी कोशिश की थी और आज उसी राउत को मराठा मोर्चा का सहारा लेना पड़ रहा है। वीरेंद्र पवार ने कहा, संजय राउत की आंखों पर भले ही पट्टी लगी हो लेकिन उनके कान तो खुले होंगे, तो इस वीडियो में मर्द मराठा लाख मराठा की आवाज भी क्या उन्हें सुनाई नहीं दे रही? वीरेंद्र पवार ने तंज कसते हुए कहा कि मुंबई का मराठा मोर्चा महाविकास अघाड़ी के मोर्चे की तरह प्रायोजित बिल्कुल भी नहीं था, वो साफ सुथरा विरोध प्रदर्शन था। अब खबरें आ रही है कि संजय राउत की इस हरकत से उद्धव ठाकरे के साथ ही शरद पवार और सुप्रिया
सूले भी बेहद नाराज हैं और उद्धव ठाकरे ने तो राउत से इस पर लिखित में जवाब मांगा है। कुल मिलाकर संजय राउत ने 5 साल पुराने प्रदर्शन का वीडियो अपलोड कर दिया और उसे अपनी पार्टी का प्रदर्शन का नाम दे दिया। राउत ने वीडियो का साउंड तक नहीं सुना जिसमें मर्द मराठा लाख मराठा के नारे सुनाई दे रहे हैं। अब कुछ इस तरह से जल्दबाजी में देवेंद्र फडणवीस को गलत साबित करने के लिए राउत ने अपने हाथ से ही अपना मजाक बनवा लिया और अपनों की नाराजगी भी मोल ले ली। तो आपका संजय राउत को लेकर क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।